हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में, ऐप के बारे में, ठीक है। जिस ऐप पे जाकर आप कोई भी ज़मीन आप उस पे बेच सकते हैं, नहीं तो ख़रीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी मैं उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आइए, मैं अभी आपको प्ले स्टोर पर चला। प्ले स्टोर पर जैसे ही गया तो यहाँ पर 99acres रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओपन किया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये इसको इंस्टॉल होने दीजिए। ये लगभग 7 MB की ये ऐप है। जैसे इंस्टॉल हो गया तो चलिए अब मैं इसको बैक जाता हूँ यहाँ से, और फिर आपको यहाँ 99acres का जो ऐप ओपन किया। अब फिर देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप से मांगेगा ये अलाउ करने को, एक्सेस डिवाइस लोकेशन वगैरह ये मांगेगा, तो आपको कर देना होगा। उसके बाद अगर आपको ये ऐप पे जाकर कोई ज़मीन के बारे में सर्च करना है, या ज़मीन आपको कहीं भी इंडिया में ख़रीदना है, ठीक है, तो आप इस ऐप के थ्रू जा सकते हैं और उस वहाँ से उस आदमी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको ज़मीन बेचना है तो भी आप इसी साइट के थ्रू जाइए और वहाँ पे अपनी साइट की फ़ोटो लगा दीजिए, उसके बाद अपना प्राइस बता दीजिए और उसका लोकेशन वगैरह कहाँ पे है ये सब बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट्स। सो आई वेंट लुकिंग इन द लोकेशन। सबसे पहले इस ऐप में जाने के लिए आपको एक बेसिक बताना होगा कि आप क्यों ऐप डाउनलोड किए हैं। तो इसके लिए लगभग आप अगर कुछ झूठा भी उसमें कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, ठीक है, गलत भी डाल दीजिए, सही भी डाल दीजिए। अगर आप सही डालते हैं तो अगर आपको सिर्फ सर्च करना है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप इसको सही किसी काम के लिए आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, मतलब कि ज़मीन खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो आप सही सही इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। तो ठीक है, आई एम लुकिंग इन द लोकेशन। आप कौन सा लोकेशन पे देखना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको लोकेशन बता दूँ। आपको लोकेशन कोई एरिया डाल दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप जिस स्टेट में हैं या जो भी एरिया में आप जहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं वो एरिया डाल सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, यहाँ पे अभी आपको ये झारखंड डालता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब झारखंड की कौन सा एरिया में, कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में या कौन सी टाउन में ख़रीदना चाहते हैं? तो झारखंड की मैं कोई भी एरिया डाल देता हूँ। चलिए मैं इसमें ये सोनारी जमशेदपुर में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आप फिर पूछ रहा कौन सा सिटी लोकेलिटी वगैरह कोई एरिया खास करके आपको चाहिए उस एरिया में, तो अगर चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर पूरे झारखंड में आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं कहीं पर भी या सर्च करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट ये सोनारी को काट कर दीजिए, ये ओनली झारखंड रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर डन कर दीजिए, ठीक है। या जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ डिटेल में आप जा सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट कीजिए, योर बजट इज, ठीक है, आपका बजट क्या है ज़मीन खरीदने का, तो लगभग अंदाज़ा बता दीजिए कि या ज़मीन बेचने का जो भी है आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बढ़ जाइए आगे ऐसे ही। अगर आप नहीं कुछ करना चाहते नेक्स्ट बढ़ जाइए, सिर्फ देखना चाहते हैं तो। अब इसमें क्या आपको चाहिए, अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल स्पेस एंड कमर्शियल लैंड, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कमर्शियल लैंड के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो आइए, ये कोई बड़ा सा, अगर आपको को इंडस्ट्री वगैरह या कोई भी स्कूल कॉलेज या कितना भी ज़मीन कहीं भी लेना है, तो मैं ज़्यादातर ये रियल एस्टेट वाले के लिए बना रहा हूँ, ऐसे उनको मालूम होता है। बट अगर आप कोई सिंपल आदमी हैं, मतलब कि वन फैमिली वाले, तो उसके लिए आप, मैं तो बोलूँगा ये रेसिडेंशियल लैंड वगैरह देखिए, था ये रेसिडेंशियल लैंड देखते हैं। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्लिक किया, अब रेसिडेंशियल लैंड जैसे क्लिक किया तो एक बार आप ऑनर्स पे कर दीजिए, एक हाइट पे कर दीजिए, एक यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर पे कर दीजिए, ठीक है। अब आइए, आपका ये पेज ये ओपन हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ ज़मीन था वहाँ वहाँ पे आपको सारी ये लोकेशन आ गया।
आप ही जैसे लोगों ने डाला है आप भी डाल सकते हैं इस पे, ठीक है, या कोई भी डाल सकता है, मैं भी डाल सकता हूँ, या आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए मैं अगर इसके बारे में डिटेल में किसी भी ज़मीन के बारे में जैसे मैं देख लूँ, डिटेल में देखना है कैसे क्या करना है तो मैं बता, चल ऊपर वाले पे, ये 14 से जो 33 लाख के बीच में है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे क्लिक किया तो ये वेबसाइट जो है, सॉरी ये पेज खुल गया। प्राइस वही है, लैंड रेडी टू मूव, ठीक है। इसका प्लॉट एरिया जो है 1500 से 3500 स्क्वायर फीट है इस ज़मीन का। पोस्टेड बाय बिल्डर, बिल्डर कोई है उसी के जो भी बिल्डर होगा उन्हीं के थोड़ा, ये जनवरी 11 को किया था। बेस प्राइस यूनिट एरिया ऑनरशिप फ्री होल्ड, ठीक है। सोसाइटी जो है इसका आरएस गार्डन बीआईटी मिश्रा। इसके बाद इसमें रेरा स्टेटस नॉट अवेलेबल, रेरा एक एक्चुअली गवर्नमेंट की साइट है, सॉरी वो एक कमर्शियल साइट है, उसी से अप्रूव्ड है या नहीं वही बोल रहा है। आइए मैं यहाँ पे देखता हूँ एड्रेस कहाँ पे है ये ज़मीन का, तो बीआईटी मिश्रा रांची झारखंड पे है ये ज़मीन, ठीक है, उसी के आसपास का ये लोकेशन है। फिर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं आरएस गार्डन ऑफ आरएस कंस्ट्रक्शन लग्जरी एंड प्रेस्टिजियस जो भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हाईवे 2 BHK 3 BHK विलेज वगैरह सारे आपने डिटेल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते पढ़ कर, इसके लिए थोड़ा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आइए फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट लोकेशन देखना है कि ज़मीन कहाँ पे है, तो उसके लिए आप इस लोकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा क्लिक कीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया तो उस लोकेशन पे चला गया ये ज़मीन इंडिया की कौन सा एरिया की है। ऐसे इसमें अगर आप कोई भी ज़मीन बेच रहे या जो भी उसमें लोकेशन मांगेगा या आप सर्च कर रहे तो सही यहीं लोकेशन होता है, यहीं का डाला गया है। बट ये देखिए ये लोकेशन वहाँ की नहीं है, मुझे नहीं लगता, चेन्नई सही है, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसी के बगल में देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एड्रेस दिया था, ये वाले एड्रेस दिखा रहा है, और यहीं पर जाइएगा तो यहीं पर लोअर लॉन, ठीक है, गार्डन है ये वाले, अब इसी गार्डन की ये बात कर रहा, ठीक है। तो आप लोकेशन भी चला गया, आपको विजिट करना है अगर आदमी से मिलने से पहले, मेन जो इसका पार्टी है ब्रोकर है उससे मिलने से पहले, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, फिर उसके बाद बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। चलिए मैं बैक चलता हूँ अब, ठीक है। इसके बाद आप अगर ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, गेट इन टच विथ बिल्डर्स, तो आप अमरेंद्र कुमार जो भी है, जो भी एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर है, इनसे बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बिल्डर कोड वगैरह अपना डिटेल में दे दिया है, या आप भी अगर बिल्डर है या कोई भी है तो वहाँ पे दे सकते हैं इसको विजिट करने के लिए। फिर यहाँ पे अगर आपको इस आदमी से कॉन्टेक्ट करना है तो नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। आर यू प्रॉपर्टी डीलर, यस या नो, आप जो भी है वो यहाँ पे यस नो कर दीजिए, एंड रिक्वेस्ट कॉल बैक, ठीक है, रिक्वेस्ट कॉल बैक पे कर दीजिए। उसके बाद जैसे कर दीजिएगा तो आपको एक दिन दो दिन या नहीं तो वो कॉल आ जाएगा उधर से, अगर नहीं आता तो आपको जैसे भी इसमें रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक कीजिएगा तो एक नाम और मोबाइल नंबर भी आ जाएगा आप, ठीक, आपके पास, या आपके ईमेल पे या आपके इधर मोबाइल स्क्रीन पे या मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप कॉल करके बात कर लीजिए अपने आदमी से, मुझे मिलना है या जो भी है यहाँ पर ज़मीन ख़रीदना है या जो भी आपको बात करना है तो वहाँ कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो अगर अच्छा कर लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेहिचक मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।